देखिए थ्योरम नंबर 5 है आपका इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कुलर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3 आपने पढ़े। एंड थ्योरम नंबर 3 कल क्या था कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, उसी को आप उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, जिसको कन्वर्स कहते हैं। उसमें कन्वर्स का मतलब ये हो गया कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब अब आपको प्रूव वहां क्या करना था, जो कल आपने किया था वहां तो ओडी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, आपको ये प्रूव करना था, याद रखिएगा। और दिया हुआ आपका डी मिड पॉइंट था, इसलिए मैंने थ्योरम 4 को नहीं लिखा। आगे समझ में, क्यों नहीं लिखा? आपकी जो थ्योरम 4 है, जिसको देखो एक्चुअल में थ्योरम 4 क्या थी, देखो आपका नाम, अब आपका कंफ्यूजन में दूर कर दूं यहीं पे आपका नाम, इसको ये एक्चुअल में कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3 है। वो क्या था, अब आप यहां पे देखिए, ये थ्योरम नंबर 3 था, कन्वर्स में मत जाइए अभी, आपका नाम क्या था कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये थ्योरम नंबर 3 थी सर। और थ्योरम नंबर 4 क्या लिखा, कन्वर्स ऑफ थ्योरम, तो उल्टा कर देंगे आप इसको, आपका नाम देखो, तो इसमें क्या होता द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इस थ्योरम नंबर 3 में आपका देखो नाम देख, इस थ्योरम नंबर 3 में ही आपका ओ सेंटर था, जरा याद करिएगा कल, दिस वाज द कॉर्ड, ए बी वाज ए कॉर्ड, तो आपका देखो क्या लिखा हुआ, द परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, आपका नाम देखो दिस। तो उसमें इसमें आपका जो टू प्रूफ था, वो टू प्रूफ आपको क्या करना था, ए डी इज इक्वल टू बी डी करना था, या सी, कल मैंने सी पॉइंट ले सकता हूं मैं, कल मैंने हो सकता डी की जगह मैं सी लिया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्या कर लीजिए आप, ठीक है। अब आज क्या, ये थ्योरम नंबर 3 थी, इसमें आपका कन्वर्स, बल्कि कल हमने आरएचएस से प्रूफ किया था, याद है इसको, इस थ्योरम को भी आप प्रूफ डिड बाय आरएचएस, और मैंने कहा था कि ये नॉर्म्स बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए, पढ़ाने का तो क्या है, देखो आपका नाम, अब आपका एनसीईआरटी कुछ भी कहे, आज मैंने सुबह 11th का एक बच्ची आई है नैनीताल से, उसको मैंने कहा सर मेरा 2 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दीजिए, मैंने कहा वाह 12 महीने का कोर्स 2 महीने में कंप्लीट चाहते हैं आप, ठीक हो गया, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आज आप घर जाके जाइएगा, मैंने सुबह 1 घंटा 17 मिनट में जो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 12 पीरियड में 12 लेक्चर में ये आपका सेट्स खत्म होना चाहिए, नहीं होती है, मुझे 20 पीरियड्स लग जाते थे उसको, 20 घंटे, आज मैंने उसको 1 घंटा 1 आवर एंड 17 मिनट में कंप्लीट किया हुआ है। करने का तो क्या नहीं हो सकता, अर्थ का अनर्थ कर दो तो सब हो जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, सुबह को पढ़ा शाम को सफा, और शाम को पढ़ा सुबह को सफा, इसलिए होने को सब कुछ हो जाता है, बस ये आप कितनी कंसंट्रेशन के साथ आप काम करते हैं वो है आपका नाम। देखो अब इस थ्योरम नंबर 4 जिसको कन्वर्स ऑफ आपका ये आपका ये किसको, इसमें क्या करना था, इसमें ये जो इसका टू प्रूफ होगा आपका, देखो ना इसको टू प्रूफ में आपका क्या करना था, ओडी इज परपेंडिकुलर ऑन AB, और ये जो इसमें दोनों में थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थ्योरम में क्या अंतर है ये समझ लीजिए, इसमें जो गिवन होगा वो आपका इसमें टू प्रूव करना होगा, और इसमें जो टू प्रूव होगा उसमें आपका ये गिवन होगा, बस दिस इज द डिफरेंस। पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, इनके सिलेबस में तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं किस बेवड़े ने सर्किल, इनके ताजुब होता मुझे, आप कहते रिजल्ट नहीं आता, हम कहते बच्चों का कैरियर नहीं आता, बच्चों का कैरियर नहीं बनता है, आपने जिस हिसाब से सर्किल इनके चैप्टर में से गायब किया हुआ है, सेम ऑन योर एडमिनिस्ट्रेशन, सेम ऑन योर एजुकेशन सिस्टम, शर्म की बात है। अब ये कल को ये कॉम्पिटिशन में निकलेंगे ये बच्चे, नहीं निकल सकते, जो 9th में इस समय है इनमें से है
कोरोना पीरियड सब जगह हो रहा है, क्या आप खाक पड़ा होगा इन्होंने नाइन्थ में? इसलिए नाइन्थ में सर्किल, इसीलिए मैंने आज आपको इनके साथ कंबाइन किया हुआ, दो थ्योरम है इनके सर्किल में। जिसने वो सीबीएसई की किताब लिखी है टेक्स्ट, उसको तो शर्म से मर जाना चाहिए। ये मुझे बोलते हुए फख्र हो रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए कंपटीशन लेवल तैयार करवा रहा हूं मैं आपका, बस इसलिए मैंने आपको इनके साथ मर्ज किया। दो थ्योरम बताई, वो भी दो थ्योरम भी ऐसे, आप क्या कहेंगे? अगर एक जाहिल गवार को भी आप साइकिल पकड़ाओगे एक दो घंटे में वो चला करके दिखाई देगा साले को, एक्सल तोड़ताड़ करके उसका। यही इनके साथ भी हो रहा है, टेंथ वालों के साथ। मतलब ताजुब करो ना आप, देखो आपका कितनी शर्म की बात है इस हिंदुस्तान में। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में से सर्किल इनका हटा दिया, ये मेरे जैसे के लिए प्रॉब्लम हो रही ना। और रिजल्ट देख लो आप सीबीएसई का, शर्म से मर जाओगे। 98, 99, 100, और उसके बाद कैरियर घर में बैठ करके, बीटेक करके घर में बैठा हुआ बच्चा। एकल स्कूल वालों का देखो, आज बायो का प्रैक्टिकल है, कल शाम को मैडम कह रही फाइल बनवाओ। साल भर क्या मर गई थी वो मैडम? ये बच्चों के अंदर अननेसेसरी प्रेशर है इंटरनल असेसमेंट करके, तो दिक्कत किसको हो रही? मेरे जैसे ईमानदार आदमी को हो रही ना। उन बेशरमों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं नेशनल चैनल में इन चीजों को डालना चाह रहा हूं पर्पसली, कि किसी बेशरम को, चिलम नंगे को समझ तो आ जाए हमने एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल बना दिया। तो थ्योरम नंबर 3 का एक कन्वर्स थ्योरम नंबर 4 देख लीजिएगा, इसलिए मैंने ये आपको नहीं बताया जो आप कह रहे थे, क्योंकि आपके स्कूल टीचर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो तनख्वाह मिल ही रही है, पढ़ाए नहीं पढ़ाए क्या फर्क पड़ा? अगर आप पढ़ा रहे होते तो आप यहां आ रहे होते? ये कोचिंग सेंटर सही से चल रहे होते? कोटा राजस्थान को हब बना दिया है इंडस्ट्री का, अरबों में जाती है वहां की, उसके बाद भी क्या गारंटी है? 4 लाख रुपए आपने वहां दिया, जमा किया वहां जाके, और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हो नहीं रहा, मेडिकल में हो नहीं रहा। गए थे डॉक्टर बनने के लिए, पता चला फार्मेसिस्ट की दुकान खोल के। मां बाप के सपनों को तो देखो ना, कहां है कोटा राजस्थान में क्या कर रहा? आईआईटी की तैयारी कर रहा, पता चला आईआईटी की तैयारी करके आईटीआई करने के लायक भी नहीं रहा। दोनों में फर्क देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ये इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट है, दोनों में फर्क पहले समझिए। ये तभी करोगे जब अंदर तक जड़ तक घुसोगे, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार तो कहती तुम भीख मांगो, कटोरा लेके आओ, तब हम तुम्हें रोटी देंगे। आपकी औकात, आपके मां बाप की औकात, मेरी औकात सिर्फ हिंदुस्तान में वोट देने के लिए है, बस। आड़ू बेड़ू घिंगारू जो हो रहे उनको ग्राम प्रधान का टिकट, उनको पार्षद का टिकट, उनको एमएलए का टिकट, उनको एमपी का टिकट, और आईएएस और आईपीएस उनके बने हुए पीछे से। 2 कौड़ी का एमएलए साला आईएएस को कहता तेरी औकात इतनी है? शर्म आनी चाहिए सुसरो, पढ़े लिखे लोग हैं हम, देश को ग्रोथ दे रहे हैं हम, देश को डेवलपमेंट दे रहे हैं, और उन आईएएस की, उन पढ़े लिखों की यह हालत है आपका, देख लीजिए आप। ये तो सिस्टम किसने कमजोर किया? दिस सिस्टम इज ओनली वीकेंड बाय योर पेरेंट्स ओनली, जिन्होंने कभी हिंदुस्तान में, बोल दो अभी 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 किसी को बोल दो, किसी मोहल्ले में जाकर के 5-5 किलो का आटा दे दो, दूसरे वाले भी अगर सक्षम होंगे वो भी घुस जाएंगे। हमें नहीं मिला 5 किलो आटा आपने वहां दे दिया, हमें नहीं मिला। और लैंग्वेजेस देख लीजिए आप, एमएलए मेरे घर में आकर के कर क्या करते हो भाई तुम? मैं कहा माइंड योर लैंग्वेज, नहीं तो और होता, पार्षद समझ गया ये रावत से गलती से उलझ गया। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर, साले 2 कौड़ी के एमएलए हैं, मुझे होगा तो मैं चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगा ना। ये हाल है
मतलब आदमी देख लो ना, आदमी की औकात, तो हम पढ़े लिखों की औकात कहाँ रख दी आपने बताइए। तो कोर्स खत्म करने के लिए 20 पीरियड का मैंने आज कर लिया है, अगर 11th का कोर्स देख लीजिएगा, शाम को जाकर के सेट थ्योरी देखेगा। इन द मेमोरीज ऑफ माई लविंग डैड करके लिख करके मैंने उसको आज टैग करवाया है। ये देख लीजिए, ये है, ये देख लीजिए आप आवाज, ये है आपके स्कूल टीचर्स के ही बच्चे हैं, इतनी शर्म नहीं है इनको। ये है आपके स्कूल टीचर, ये सिस्टम है, यहां कहीं जाने की जरूरत थोड़ा है, ये सिस्टम को देख लीजिए आप। नहीं तो मार थप्पड़, स्कूल टीचर आकर के किसी दिन आए और हेलमेट पहन के मार थप्पड़, कैसे कर रहे, बगल में भी तो लोग पढ़ा रहे हैं यार। मतलब हमने बीएड करके ईमानदारी में किसी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया हमने, इसीलिए कि वहां बच्चा आएगा। अब तो हमने, अब तो हम ही को बेमानी पे उतरना पड़ेगा ना। ये देख लो आपका, ये लड़कियां सबसे ज्यादा बोगस है इस हिंदुस्तान में, देख लीजिए आप, बेशरम जाहिल गंवार है। ये है सिस्टम, हम पढ़ाने वाले मिल रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे, और जो पढ़ाने वाले नहीं है उनके बाहर आकर के आप आधा आधा एक एक घंटे लेक्चर आप करोगे, तो कैसे मां बाप होंगे वो। बदतमीजी की तो हद ही है ना, आप देख लीजिए। इसलिए ये YouTube चैनल्स में मोटिवेशन, ये भी तो मोटिवेशन है। मोटिवेशन में क्या चाहिए, मक्खन लगा करके कोई मोटिवेशन होता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कुलर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए अब आइए आप सॉल्यूशन नंबर 5 थ्योरम की है। और अभी स्कूल को आप मेमोरेंडम दे दोगे तो स्कूल वालों की अम्मा मर जाएगी कि ये कर क्या रहे हो तुम, ये कैसे पढ़ा रहे हैं ये टीचर ट्यूशन, जबकि इनको तो तनख्वाह भी मिल रही है वहां। शर्म आई तो तब देख लो आप, देख लो ना, ये इसीलिए सुनाने के लिए कि ये सिस्टम जरा देख लो तुम। लोग कहते लड़कियां, मैं भी तो एक बेटी का बाप हूं, इक्वल कॉर्ड आप इधर बनाओ इधर बनाओ कहीं भी बनाइए आपका, देखो ना उद्देश्य सर, ये ए बी, ये यहां पे डबल कट मार दे रहा हूं और इधर भी बना देते, देखो आपका नाम दिस था, ये सी डी, ये मैंने अभी देखो डबल कट मार दिया, इसका मतलब इक्वल कॉर्ड्स हो गए। ओ इज द सेंटर आपका, देखो नाम गिवन। तो याद रखिएगा आप टेंथ वाले, कोई भी थ्योरम जब की होती है उनमें 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स आप लोग याद रख लीजिएगा। जो मेरे पास 9th में नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए भी है, जो पढ़े हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने भी कितना गुणा कितना मल्टीप्लाई किया ये तो देखिए। गिवन दूसरे नंबर पे आपका नाउ टू प्रूव आता है, टीपी तारा प्रसाद नहीं है, दिस इज द टू प्रूव। और थर्ड नंबर पे आपका नाउ कंस्ट्रक्शन है या विदाउट कंस्ट्रक्शन, आप कर सकते हैं इस सवाल को, ये आपका अगर विदाउट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत होगी और उसके बाद आपका फॉर्मूला। इसको प्रूव करने के लिए मैंने कहा था लाइन एंड एंगल्स की आपको 9th की जरूरत होगी। हालांकि सर एंगल्स कहां पे लगे, अरे एंगल्स की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ट्राइंगल्स की, कॉन्करेंसीज की, आपका कॉन्करेंसी की आपका नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा था आपके पास 5 कॉन्करेंसीज है, साइड साइड साइड, आपका नाम साइड एंगल साइड, आपका एंगल साइड एंगल, और डी आपके पास एंगल एंगल साइड, और ई आपके पास राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। मैंने अपने 9th के बच्चों को स्ट्रिक्टली वॉर्न किया हुआ है, स्ट्रिक्टली वॉर्न, पूरे हिंदुस्तान में कोई जहन्नुम में जाए मेरे बच्चे को जहन्नुम में नहीं जाना है, मेरे बच्चे को ट्रू और रियल चीजें समझ में आनी चाहिए। कि आप अगर साइड एंगल साइड का यूज कर रहे हैं तो वहां भी जब कॉन्करेंसी होने से पहले जो 3 पॉइंट्स होंगे वो इन्हीं के अकॉर्ड आप काम करेंगे, जो आप लोग भी अभी देख लीजिएगा 10th वाले। तो ये 2 कॉर्ड्स होंगे, सुना दो आप क्या करेंगे, इन ए सर्किल सी ओ आर आपका, देखो यहां पे लिखेंगे आप ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी, ए बी के ऊपर लाइन मार दीजिए आपका ना, बार्ब लगा दीजिए तो ये कॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा,
नहीं तो आप इसको आप कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी भी लिख सकते हैं। आइदर यू राइट और लिख दिया आपका नाम, ये देखिए नहीं आता है आप मुझे क्लियर बोलो कि सर हमारी समझ में नहीं आया। इक्वल कॉर्ड सा परपेंडिकुलर आपका देखो इसका मतलब परपेंडिकुलर पहले से है याद रखिएगा। ये देखिए ये ओ ई इसको कर दीजिएगा और ओ एफ आपका नाम देखो ये तो ये यहां स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपका देखो ना एंड ओ ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी बी गिवन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज थ्योरम में गिवन जैसी लग रही है लाइक अ गिवन सच दैट जिसको आप कहते ये हो गया। अब आपको देखो ना टू प्रूफ क्या कह रहा देखिए इक्वल कॉर्ड यानी कि ए बी आपका देखो सी डी के इक्वल है अपोसिट के आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी कि ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड दोनों ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ आपने कर रहा देखो ना तो ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ ये आपको प्रूव करना है आर इक्विडिस्टेंट ये और ये इक्वल का साइन है तो ये इक्विडिस्टेंस यानी कि ओ का मतलब सेंटर ऑफ द सर्किल ई का मतलब दैट पॉइंट इज ऑन द ए बी कॉर्ड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एफ इज द पॉइंट ऑन सी डी एंड बोथ आर ओ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी ये आपका दिया हुआ है बस आपने ये समझ लिया। अब इसमें मैंने आपको क्या कहा था अब कंस्ट्रक्शन करने की आपको जरूरत है देखिए कहीं कहीं में नहीं करते हैं लोग तो देखो कंस्ट्रक्शन में अब आप याद रखिएगा अगर इसको ए से जोड़ने इसको सी से जोड़ना करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्क्रीट ट्रायंगल अगर आप कहते हैं उस हिसाब से ओ बी को हो आपका या ओ डी को आप जोड़ना ओ बी को जोड़ेंगे तो ओ डी को जोड़ना ओ ए को जोड़ेंगे तो ओ सी को जोड़ना इसका मतलब ज्वाइन ओ विद ए एंड सी ये हो गया। अब आपका देखो ना इसको आप कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन आपका जो यू शो इट आपका ना बाय डॉटेड लाइन ये देखिए आपका ना कोई शक है बताइए क्लियर हो गया। अब आपका देखो अब आप फोर्थ स्टेप में आप आ जाइएगा यू कम प्लीज एट द फोर्थ स्टेप प्रूफ आपका देखो ना दिस इज तो क्या है परपेंडिकुलर ऑन द सेंटर ऑफ सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड कल आपने थ्योरम नंबर थ्री पढ़ी है तो ना देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड बाई मने टू और सेक्ट मने काटना तो दो बराबर भागो बाइसेक्ट द कॉर्ड ये हो गया ये आपके थ्योरम नंबर आपका ना देखो थ्योरम इसका मतलब क्या हुआ आपका देखो अगर आप कहेंगे ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये देखिए आपका नाम एंड लिख दिया आपने क्लियर हो गया ये लिख दिया ये फर्स्ट पॉइंट आपने थ्योरम के साथ टाइप कर दिया टैग कर दिया अब आपका देखो ना अब आपका नहीं कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी ये मैं नहीं कह रहा हूं गिवन स्टेटमेंट में आपका नाम तो जब ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो सी डी आपका हो गया देखो ये आपका देखो जब कॉर्ड है आप देखो कायदे से तो क्या करते हैं इसको देखो मेरा जो अपना माना तो आपका देखो नाम दिस डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू कर दें आप तो देखो हाफ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉर्ड सी डी तो ए बी का हाफ देखो ए बी का हाफ क्या देखो यहां ए बी का हाफ क्या है और सॉरी सी डी का हाफ क्या है सी एफ मैथमेटिक्स में एक वर्ड इसीलिए आपका बड़ा फेमस है विच एवर इज रिक्वायर्ड। अब आप कहेंगे सर फेमस है हमने तो कहीं सुना नहीं हमारे मास्टर ने तो कभी बोला ही नहीं ट्रूथ बोला ना ट्रूथ बोल रहा हूं पिछली बार में मैं हर उसमें आपका अगर नाइन्थ वालों को देख लीजिएगा आप विच एवर इज रिक्वायर्ड टेंथ को भी बोलता हूँ इलेवंथ को इसका मतलब जिसकी जितनी जरूरत है उसका उतना ही इस्तेमाल करो खत्म। मुझे इसकी जगह में ए ई और इसकी जगह में सी एफ चाहिए था ए बी जबकि
ए आपका बी भी तो इसका हाफ है, ए बी का बी भी तो हाफ है, और आपका डी एफ भी आपका क्या है, हाफ है। आप समझ रहे ना, क्योंकि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। दैट इज दैट्स इन हिंदी प्योर। अब आपका ये हो गया, इसको मान लीजिएगा आपका टू। अब देखिए परपेंडिकुलर मैंने शो नहीं किया, करना पड़ेगा, यहां तो किया था वहां नहीं किया था। अब देखिए टेंथ वाले थर्ड स्टेप में देखिए क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल नाउ ओ ई ए एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एफ सी। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल लिखा है। अब आपके यहां क्या करते हैं, किसी को कोई लेना देना कुछ नहीं है, उसने कहा लिखो ए ई इज इक्वल टू, आपका देखो ना ए ई इज कोई नहीं, भगवान भरोसे है सी एफ। चलो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका टू या एक स्टेटमेंट आपका प्रूव्ड अब आपका लिख दिया, ठीक हो गया, ये भी मैं बिल्कुल आपसे एग्री हूं, सहमत हूं, है तो ए इज इक्वल टू सी एफ नहीं है, इक्वेशन नंबर टू आप करिए। देखो जो लोग करते हैं आपके वो बता रहा हूं, अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसको अमेंडमेंट भी करूंगा, ये हो गया। उसके बाद आपने देखो आपका एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ एफ सी, ये देखो ईच 90 डिग्री, और आपका ये गिवन से आया है, मैं घर से नहीं लाया हूं, ये लिखना पड़ेगा गिवन है और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आया कहां से, ये हो गया देखो आपका। उसके बाद देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडाई ऑफ सेम सर्किट, ठीक है। आपके मास्टरों ने क्योंकि 35 मिनट और 40 मिनट तो कैसे भी पूरे करने हैं, उसके बाद उन्होंने कहा ट्राइंगल ओ ई ए इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ओ एफ सी। खान साहब का वीडियो भी ऐसे ही आता है, याद रखेगा, जो खान सर है ना वो भी ऐसे धमाकेदार बोलते हैं, जिनके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, बस तो ईमानदारी में तो इतनी ताकत होती है कि धीरे धीरे आपका देखो ये हो गया। अब देखो यहां पे आपके टीचर ने क्या किया, बाय आर एच एस रूल लिख दिया। भाई ये बताओ पहले राइट एंगल आना चाहिए, फिर हाइपोटेन्यूस आना चाहिए, और फिर ये आना चाहिए, तो ये लिख कैसे दिया तुमने, यहां तो साइड एंगल साइड दिख रहा है। आप क्या करेंगे, पहले राइट एंगल ये होना चाहिए, उसके बाद हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, और देखो ये मिटना चाहिए यहां से और ये नीचे आना चाहिए, आपका देखो ए ई इज इक्वल टू आपका ना दो ए ई इज इक्वल टू सी एफ, ये आपका ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू या आपका ना प्रूव्ड एवर, ये देखिए आपका ना ये। तब जाकर के राइट एंगल हाइपोटेन्यूस ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड आपका ना ये साइड, तब जाके आप आर एच एस लगाएंगे, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हो सर, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हो गया। जो चीज प्रूव करनी होती है वो आपका क्या आता है, बाय सीपी सीटी में व्हेन टू ट्राइंगल्स, इसका मतलब इफ आई कट दिस ट्राइंगल ओ ई ए एंड कीप ओवर दिस, तो ओ ई विल आपका नाउ सुपरसीड ये आपका नाउ ये आपका क्या हाइट करेगा ये इसको या ओवरलैप करेगा ओ एफ को, एंड आपका ए विल ओवरलैप सी एफ और आपका ओ ए इज ओवरलैप ओ सी, यानी कि ऊपर का ट्राइंगल नीचे के ट्राइंगल के ऊपर से सेम एंगल सेम साइड्स के साथ आ जाएगा, दैट इज नोन एज कॉन्करेंसी। इसीलिए आपका देखो ना ओ ई इज इक्वल टू आपका ना ओ एफ बाई सी पी सी टी, क्लियर है, कोई दिक्कत है बताइए, क्लियर है, प्रॉपर्टीज क्लियर है, ये प्रॉपर्टी जो आप यूज कर रहे हैं जैसे करनी हो आपने क्लियर है, नाउ डू इट। अब थ्योरम नंबर 6 में क्या था, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल विच आर देखो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ये देखो ये मैंने इसीलिए रब नहीं किया, देखिए फिगर तो आपका देखो इसका बिल्कुल वही बनेगा, देख लीजिए आपका नाम देखो आ सर्किल
ये आपका है, आपका नाउ देखो दिस इज, अब यहां पे क्या करेंगे देखो आपको, ये ए बी इक्वल टू नहीं है, अब आप यहां पे लिखेंगे देखो आपका ए बी एंड सी डी आर, देखो आपका ए जरा देखिए आर टू कॉस, देख लीजिएगा दोनों को, ये आपका ये सिक्स थ्योरम लिख दिया मैंने, जरा चेक कर लीजिएगा आपका नाउ देखो दिस, और ये साथ में ये ओ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड आपका देखो ना ये दिस इज द ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये भी आपका चलेगा, आपका इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आपका नाम, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये ओ इज इक्वल टू ओ एफ यहां पे होगा क्योंकि दिस इज कॉल्ड द कन्वर्स, ये कन्वर्स ऑफ आपका नाम देखो दिस इज द फाइव है, अब आपका इसका मतलब अब आपका देखो ना ये कॉर्ड्स को आपने इक्वल करना है, तो देखो ना दिस इज ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड, ये आपने इक्वल करना है, कंस्ट्रक्शन ये भी ठीक है, ये भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी ठीक है, थ्योरम नंबर थ्री आपका हो गया, ये भी आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ आपका नाम देखो दिस इज, ये भी बिल्कुल सही हो गया क्योंकि थ्योरम लगे, अब आपका देखो इतना कर दिया आपने, अब इसको मिटा दीजिए, दोनों का फर्क देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ सेकेंड में देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ई ए एंड आपका देखो ना ओ एफ सी, राइट एंगल ही है, अब आपका आपने तो एंड आपका नाम राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो ओ एफ सी, याद रखिएगा मैंने क्या कहा था, अगर ये ओ से ई से ए की परपेंडिकुलर होते हुए जा रहा ये भी परपेंडिकुलर होते हुए जाना चाहिए, कई लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल लिख तो देते, उसने कहा लिख दो ओ ए ई, आपका ऐसे लिख दिया ओ सी एफ, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल आप लिख रहे हैं तो या तो आपका ए ई ओ लिखो या आपका ओ ई ए लिखो, और बेटर सबसे बेस्ट जो होगा वो आपका ओ ई ए लिखने है, कोई आपका होगा क्योंकि सिमिलरिटी, टेंथ के बच्चे बैठे हुए जब आप सिमिलरिटी आपको ट्राइंगल पढ़ाया होगा तो ये जो लिखे हैं ये ट्राइंगल्स के ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नाम, इससे पता लग जाता है किसकी औकात कितनी है, औकात ही कहते ना वैसे तो स्टेटस ब्रांड खाक ब्रांड हो गया, अब आपका देखो अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल है तो देखो ना ऑन एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ एफ सी, राइट एंगल आपका नाम राइट एंगल क्लियर है, चेक कर लीजिएगा ईच 90 डिग्री है, कहां है ये देखो आपका नाम गिवन राइट एंगल्स या ईच 90 भी लिख सकते हैं आपका गिवन, पहला आपका हो गया, उसके बाद देखो ना ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडाई ऑफ सर्किल, सेम रेडाई ऑफ सेम सर्किल, ये भी हो गया सर आपका क्लियर, इसके बाद देखो ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, ये आपका देखो गिवन है, देखो ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ गिवन है, इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ओ ई ए इज कंकरेंट टू नाउ ट्राइंगल ओ एफ सी बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, देखो दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो नाउ देखो दिस इसलिए बाय राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज आपका नाम कॉन्करेंसी या एक्सिम्स या रूट जो भी आप लिखे, अब आपका ये हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे जब दो ट्राइंगल आपके ही कट, इसका मतलब इसको कट करके इसके ऊपर रखो या इसको कट करके इसके रखो, तो ये इसको सुपरसीट करेगा, ये इसको सुपरसीट करेगा, ये इसको सुपरसीट करेगा, यानी कि हाइट करेगा ओवरलैप करेगा, इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू आपका नाम सी एफ बाय सी पी सी पी, ए ई की वैल्यू क्या है हाफ ऑफ ए बी और सी एफ की वैल्यू क्या है हाफ ऑफ सी बी, तो देखो हाफ ऑफ ए बी इधर इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो वन भी आपने कर दिया और हाफ से हाफ कैंसिल, तो देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपका हो गया क्लियर हो गया सब आपका, तो द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर
आर ऑल्सो इक्वल आपका नाम। तो डियर फोर इसको आप ऐसे भी बात को लगा दे, अभी नहीं लगा रहे तो आपका ये तो आपका बाय सीपीसीडी आपने कर दिया। अब उसके बाद आप इसको कॉर्ड आपका ये नहीं लिखते हो आप, तो पहले आप इसको ए बी इज इक्वल टू सी डी कर दो। कॉर्ड लिखा हुआ तो देखो ना, तो डियर फोर आपका कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी आपका। तो टेंथ को मैंने कंपटीशन लेवल में अगर आपको आता एसएससी, देखो सारे लोग तो आईएएस आईपीएस की तैयारी तो करते नहीं, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, तो कम से कम आपको कोई चीज एसएससी के एग्जाम में थोड़ा सा इसको घुमा दिया जाता है, एक आपका ना और कुछ नहीं होता आपका। लेकिन जब आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्या खाक करेंगे, ये नहीं जाता। तो ये आपके जो दो थ्योरम्स थे, इन थ्योरम्स को आप घर जाके जरूर पढ़िए, उसके बाद फिर कल आपके इनके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको कराऊंगा, फिर तब जाकर के आपको। तो ये था सर आपका